बड़ी अच्छी एम सी क्यूज है. एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन ए आर ऑल्सो नैन हैज अल्कली मेटल बिकॉज. ऑप्शन ए दे फॉर्म वाटर सोलोबल बेसिस, दे हाइड्राइड फ्रॉम अल्कली, देर ऑक्साइड फ्रॉम अल्कली. तो आंसर है ऑल ऑफ दिस. फिर है विच वन इज़ नॉट करेक्ट. अल्कली मेटल आर सोलोबल सॉलिड्स, सो ये तो होते हैं. अल्कली मेटल एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट, ये भी होता है. अल्कलाइन मेथड है प्लस वन ऑक्सीडेशन, नहीं नहीं भाई प्लस टू होती है. तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, ये पूछा था. द एटॉमिक साइज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल. तो असल है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, ऑप्शन सी. सो बड़ी इंपॉर्टेंट दबंग एमसीक्यूस. द एटॉमिक साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज स्मॉलर देन अल्कली मेटल ड्यू टू, ठीक है ना. सो इसका करेक्ट आंसर है हाई न्यूक्लियर चार्ज फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल. एटॉमिक साइज अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्यों अल्कली मेटल से होता है, तो करेक्ट आंसर है हाई न्यूक्लियर चार्ज फॉर अल्कलाइन मेटल. विच वन इज करेक्ट, ठीक है, 5KB का. तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ 2A इज हायर देन 1A ग्रुप. तो करेक्ट आंसर बिल्कुल यही है 5 का भी. फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. द मेटेलिक करेक्टर ऑफ अल्कली मेटल इज हायर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल ड्यू टू. तो इसका करेक्ट आंसर भी है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स. क्वेश्चन 7, द चार्ज डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल इज लेस देन अल्कलाइन अर्थ मेटल ड्यू टू हाई चार्ज एंड लेस एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अल्कली मेटल्स. फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आईपी इज हाइयर देन सीजीएम प्लस. सो क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है. इसका आंसर है देखो, Li इज स्मॉलर इन साइज ऑप्शन ए, और ऑप्शन सी चार्ज डेंसिटी ऑफ Li प्लस इज हायर. देखो होता क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी तब ज़्यादा होती है जब साइज छोटा हो और चार्ज ज़्यादा हो. तो बोथ ए एंड सी यानी ऑप्शन डी, ठीक है जी. विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ 1A ग्रुप. 1A ग्रुप के हवाले से कौन सी बात करेक्ट नहीं है. दे आर सॉलिड कंपाउंड्स, ये बात तो सही है. दे आर इनसोलोबल इन वाटर, यार किसी हद तक ये सोलोबल हो जाते हैं, तो ये बात इनकरेक्ट है. दे आर एनी कंपाउंड, दे आर बेसिक इन नेचर. बाकी सब चीज़ें सही थी, ऑप्शन बी इज रॉन्ग. तो द कार्बोनेट ऑफ 2A एलिमेंट शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, डू नॉट कंपोज ऑन हीटिंग, डू नॉट एग्जिस्ट इन अनकरस्ट. तो देखो सवाल गौर से देखो, हो रहा है शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन 11, वेल द ओनली मेंबर ऑफ 2A विच मे फॉर्म परऑक्साइड इज बेरियम, ठीक है करेक्ट आंसर. फिर है सोडियम मेटल मे बी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ. हाँ ये अच्छी एमसीक्यूज आ गई. इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड. फिर है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मे बी रिमूव फ्रॉम सी वाटर ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl बाय एडिंग. सो बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है बच्चों. कैसे रिमूव होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम सी वाटर से ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl बाय एडिंग NaOH. द सल्फेट इम्प्योरिटीज इन NaCl सॉल्यूशन मे बी रिमूव्ड बाय एडिंग. सो ये होता है Na2CO3. द अमोनिया सॉल्वेबल प्रोसेस इज यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ. आंसर है Na2CO3. क्वेश्चन नंबर 16, द अमोनिया गैस इन द सॉल्वर प्रोसेस कन्वर्ट द सोल्यूशन ऑफ NaCl इंटू लिक्विड स्टेट. फिर इन सॉल्वर प्रोसेस CO2 इज यूज टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट. इन सॉल्वर प्रोसेस द सोल्यूशन कंटेन Na+ NH4+ Cl- HClO3 एंड बट द प्रेसिपिटेट कंपाउंड इज ओनली NaHCO3 बिकॉज. देखो उसकी वजह है कि NaHCO3 हाईली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है,
तो ये वजह है कि प्रेसिपिटेट कंपाउंड सिर्फ NaCO3 होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट MCQs है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, CO2 माइनस में क्या मिला रहे हैं कि 2HCO3 बन रहा है? तो करेक्ट आंसर है ये बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑन लार्ज स्केल NaOH प्रिपेयर्ड बाय, जनाब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो करेक्ट आंसर है कैसनर कैलेनर प्रोसेस। फिर है इन मर्करी सेल द मर्करी इज यूज टू, एमसीक्यू नंबर 21। तो सही आंसर है फॉर्म अमलगम विद NaCl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। Cl में लिबरेट अमोनिया गैस बाय हीटिंग विद, सो क्वेश्चन नंबर 22। इसका करेक्ट आंसर है NaCl। जिंक क्लोराइड फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट विद NaOH, बट इन एक्सेस ऑफ NaOH वाइट प्रेसिपिटेट बिकॉज डिसॉल्व ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, सो जनाब इसका भी सही आंसर है जिंक OH4-2, ऑप्शन सी। द इप्सम सॉल्ट हैज द फार्मूला, यार ये बड़ी तगड़ी है, MCQs में बहुत आ रही है पेपर में। और MgSO4.7H2। द प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज द फार्मूला, अब इसका क्या है भाई, हाफ CSO4.H2। सॉल्वेंट प्रोसेस इज यूज टू द मैनुफैक्चर ऑफ, तो करेक्ट आंसर है Na2O3। Na2O3 इज कॉमनली नोन हैज, हाँ यार ये क्या कहलाता है? तो देखो MCQ नंबर 27, सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा तो तब कहलाएगा जब 10H2 हो साथ। ठीक है भाई, जहन में रखना है इस फर्क को। फिर है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इस, वेल अच्छा सवाल है ये, और इसका आंसर है 40। टोटल मास 100 होता है, 40 इसके अंदर ये। व्हेन NaCl इज डिसॉल्व इन वाटर NaIn बिकम्स, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड। फिर 30 में रिएक्शन ऑफ वाटर विद NaNK इज, तो ऑप्शन है एक्सोथर्मिक, सो ठीक करेक्ट होगी।